देखा, यही सोना है। तूने कैसे मेरी बदन पर चाप पे कोड़ा मारे? ओ मैं बदला लेकर ही लो कला आते होंगे अपनी नानी यहां से, सारी कहानी मैं पूछ लूंगी कैसे तेरी नानी है। बेटा ये बता, राज नैना में गया? हाँ माँ जी। तेरी नानी कैसे है? सबको सब ठीक है वहाँ। मामा कैसे है? सब ठीक है। मगर बेटा तुम्हें मैं मुंह सूखे हुए देखती हूँ। चलो सुंदर Oh,
विधिलाल, तुम्हें चाचा से क्या मतलब, तुम्हें चाची से क्या मतलब, मैं तेरी पापा है। क्या चलो? मतलब क्या मतलब तुम मेरी माता पिता जो दिया। अच्छा तेरे चाचा और चाची यहाँ राजमाबा में नहीं है, तुमको मिलेगा कहाँ, वो तो चली गई अपने। नहीं हम इस समय आप जा रहा हूँ शीश महल में कि नैना वाली से सारा बात पूछूंगा। जय गाया खुश रहेगी। अगर सही सही बात बोलना नहीं, सही नहीं बोलेगा बदन को खाल में खींच लूंगा। सही बताओ कि भाई रूदल तुम्हारे पलंग पर पैर को रखा। हाँ जी हाँ, जब नहीं पलंग पर पैर रखते तभी झूठ क्यों बोलते। सही रखा। हाँ जी हाँ। नहीं, मेरा आत्मा नहीं कह रहा है कि तुम्हारे पलंग पर रुदल कभी नहीं पैर को डालने वाला है। आपको अचानक हो गया क्या, क्यों ऐसी बातें बोलती है। नैना वाली अगर सही नहीं बताया
नहीं अपनी नहर गुजरी तो जंगल में अच्छा देवर जी मिल गए, उन्हें कुछ हिलाकर समझाए। मैं समझ रही अगर देवर जी चांदनी कोड़ा मुझे बदन पर मारने लगे, इसीलिए मैं हाथ की गुस्से में उन्हें शराब दिए, उसको कुछ बोली नहीं। ए पिया बा ये सुनो बहनोया, बेटा निकाला हो गया, राज मोहब्बत से भाई रूदल निकाला हो गया, राज मोहब्बत से दुल्हन मोरंग वाली निकाला हो गया। भाई निकला तो निकला, बेटा निकल गया तो निकल गया, लेकिन दुल्हन मोरंग वाली वो कहाँ होगी जो राजा रजवार का बेटी और ठोकर वन में खाते होगी। जाओ चल जाओ मेरे भाई। इस समय अब मैं क्या करूं राज मोहब्बा, मुझे राज मोहब्बा रहना बेकार है, क्योंकि राज मोहब्बा को रात तक गाड़ी छोड़ करके यहाँ से चला जाएगा। हो जाइए नगरिया भाई, नगरी में भा
भाई रुदल गया होगा, जब तक रुदल याल हासिम का नहीं मिलेगा, राज मोहब्बत में दाना खाएगा वो हराम खाएगा, पानी पिएगा वो खून पिएगा, जब तक रुदल नहीं मिलेगा आला सिंह राज मोहब्बत।